ललित जी, एक बार फिर से काउंटिंग शुरू हो चुकी है, अभी स्थिति क्या है इस समय? अभी क्लियर नहीं हुआ है जो की बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं वहाँ पे जो मेल इन वोट्स काउंट अभी पूरी नहीं हुई है। दोनों कैंपेन में से किसी ने भी इलेक्शन कंसीड नहीं किया है। दोनों यही दावा कर रहे हैं कि जीत उनकी ही है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा, जो बाइडन ने भी कहा, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह भी कहा है कि जो वोटिंग की काउंटिंग है उसमें गड़बड़ी तकड़ी हो रही है, तो वो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने को तैयार हैं, जा रहे हैं। दोनों कैंपेन्स ने दे हैव डिप्लॉयड अ बैटरी ऑफ लॉयर्स इनफैक्ट, कि जो लीगल बैटल है उसको किस तरह से फाइट करें। तो अभी कोर्ट केस कोर्ट में जा रही है ये काउंटिंग ऑफ वोट्स, राइट? लेकिन ललित जी, ये तो एक्सपेक्टेड है ना, सभी हो सकता। ये तो पहले ही ट्रंप पहले बोल रहे थे, उन्होंने पहले ही कह दिया था, काउंटिंग से पहले ही कहा था कि हम कोर्ट में जाएंगे, मेरे जो वकील हैं वो तैयारी करके रखेंगे, ये पहले ही वो लोग कह चुके थे। लेकिन अगर अब दोबारा से शुरू हो चुकी है गिनती ललित जी, तो हम कब तक एक्सपेक्ट करें, उम्मीद करें कि रिजल्ट आ जाएगा? जो कुछ ट्रेंड आपको दिखेंगे शाम तक दिख सकते हैं, क्योंकि जो मेल इन वोट है, जो लोगों ने पहले वोट किया था, वो काफ़ी बड़ी संख्या में है इन स्टेट्स में, तो काम उनको उनकी गिनती करने में थोड़ा वक्त लगता है। तो उसी की अब उसकी गिनती स्टार्ट हो गई है, तो शाम तक यहाँ के हिसाब से शाम तक कुछ रिजल्ट्स ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ललित जी, और हम आपसे बात यहां पर करेंगे। गीता मोहन हमारे साथ हैं। गीता, नेशनलिज्म, ट्रंप की अगर बात करें तो सबसे बड़ा उनके लिए मुद्दा यही था, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा मुद्दा अमेरिका में था, लेकिन साथ ही साथ कोरोना को हमें नहीं भूलना चाहिए गीता, और उसके अलावा आपको लगता है कि कुछ और ऐसे मुद्दे थे जहां पर इतनी क्लोज फाइट होने के बाद भी ट्रंप और बाइडेन में इस तरह की टक्कर हमें देखने को मिल रही है? इकोनॉमी बहुत ही बहुत ही अगर अहम और महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर बाइडेन और ट्रंप लड़े हैं, और बावजूद इसके कि कोरोना वायरस पैंडेमिक को मिसहैंडल किया ट्रंप ने, बावजूद इसके कि ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे मूवमेंट हुए हैं पूरे अमेरिका में और इतना वायलेंस देखा अमेरिका ने इस साल में, बावजूद इन मुद्दों के अगर ट्रंप इतना अच्छा कर रहे हैं, इसे मैं अच्छा कहूंगी क्योंकि काफी पोल्स ने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था ट्रंप से, तो अगर इतना अच्छा कर रहे हैं वो शायद इसलिए है क्योंकि जो नेशनलिस्टिक एजेंडा है और जो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है अमेरिका का वो अभी तक बरकरार है। कई सारे लोग ये देख रहे हैं कि ट्रंप ने इकोनॉमी के लिए शायद कुछ अच्छा किया है, इसलिए उनको जरूरी ये दिख रहा था कि इन मुद्दों से ज्यादा उनके लिए इकोनॉमी जरूरी है। दूसरा, कई सारे लोग ये देख रहे थे कि शायद ब्लैक लाइव्स मैटर अमेरिका के अंदरूनी मामलों में अहमियत रखता हो, लेकिन अगर नेशनलिस्टिक एजेंडा देखें तो चीन के आगे जिस तरीके से खड़े हो गए। आप ये कहना चाह रही हैं गीता कि ब्लैक लाइव्स मैटर जो है वो नेशनलिज्म पर कमजोर पड़ गया? कहीं ना कहीं अगर आप जिस तरीके से रुझान देख रहे हो, अगर उसको देखें तो ऐसा लगता है कि जो रिपब्लिकन वोटर्स है या जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट रहा, वो हिला नहीं। बहुत सारा कॉन्वर्सेशन हुआ था कि सीनियर सिटीजन्स मूव कर रहे हैं, लोग तहजीब तमीज को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। कड़ी टक्कर ट्रंप दे रहे हैं बाइडेन को, बिल्कुल।